अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर चैनल। तो आप लोग कह रहे होंगे कि सुबह सुबह लड़का ग्राउंड में क्या कर रहा है, तो पीसीबी एक क्लिक करवा रहा है छोटा सा नौशेरा में डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आज उसका पहला मैच है और मैच है हमारा। तो मैच है हमारा तकरीबन 9 बजे और हम सारे प्लेयर जो है ग्राउंड में पहुँच गए हैं। बाकी हमारे फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में है, ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे, अपने किट वगैरह रेडी किट में आ रहे, रेडी हो रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, बातें भी नहीं हो रही, ठंड भी लग रही है और मैच 9 बजे स्टार्ट होगा। और बस अभी वार्म अप वगैरह करते हैं, मैच की तैयारी पकड़ते हैं। और गैरिसन ग्राउंड के बारे में अगर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, ठीक है, तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं जो कि आज पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं और डोमेस्टिक में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फ़र्स्ट क्लास में। जैसे कि गोहर हो गए, नबीगुल हो गए, हसन हान हो गए, 2-3 और नाम है जो कि हर साल जो है डोमेस्टिक में आप लोगों को नज़र आते हैं, ठीक है। और ये पीसीबी एक अच्छा लीग करवा रहा है जिससे कि नए नए लड़के निकलेंगे जो कि आगे जाके ग्रेड 2 खेलेंगे, अपने फर्स्ट क्लास में नज़र आएंगे। तो मैंने भी इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो आज हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपना फुल फॉर्म दिखाएं। बाकी लोग को आपने तक ज़रूर वॉच करना है, जो लोग चैनल पे नए हो कल्चर को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। यहाँ पे सामने देखिए स्कोर बोर्ड लगा हुआ है, और देखिए स्कोर बोर्ड सेट कर रहे हैं, ठीक है। और लड़के तकरीबन हमारे सारी रेडी हो गए हैं, वहाँ पे हैं सारे, वहाँ पे उस रूम में। तो हम भी चलते हैं किट वगैरह में आ जाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा रनिंग कर लूँ, क्योंकि मैच में भी वैसे 15-20 मिनट है और रनिंग से इंसान के जिस्म में गर्मी आती है। तो चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो वहाँ पे बैट्समैन का नाम वगैरह स्कोर वगैरह आएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल आएगी विकेट्स और आवर्स और लास्ट इन, मतलब के टारगेट कितना दिया गया है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आएगा भाई प्लेइंग 11, ठीक है। ये देखिए पीसीबी विंटर इंटर क्लब चैंपियनशिप हैबर पख्तूनख्वा एसोसिएशन 2021-2022, ठीक है। अब इसमें आएगा प्लेइंग 11, ये 15 खिलाड़ियों के नाम देने पड़ेंगे और यहाँ पे 11 लिखे जाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक हो गया जी। यहाँ पे एम्पायर नेम, सिग्नेचर, कैप्टन सिग्नेचर। ओके भाई लोगों, तो ये आ गया अपना प्लेइंग 11, वासिल, शाहिद, अयाज, सज्जाद, अली, फहद, फैज़ान, अदनान, कामरान, जीशान, सनाउल्ला। आप लोगों का भाई प्लेइंग 11 में मौजूद है और 12 मैन है महमूद, और उसके अलावा ये जुल्फिकार और 2-3 और नाम है जो कि टीम से बाहर है आज। अच्छा जी, तो टॉस हो गया है और खिलाफ टीम ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया है, तो अपनी बैटिंग है, क्योंकि ये अच्छी बात है, यहाँ पे चेजिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल से होती है। मैच की अपडेट ये है कि 15 ओवर के अख्तिताम पे तकरीबन स्कोर 95 या 100 हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके पूछना पड़ेगा और स्कोर बोर्ड यहाँ से सही से नज़र नहीं आता। और 3 विकेटें या 2 गिरी है या 3 गिरी है, आई थिंक हमारी। मैच सनसनीखेज मोड़ में दाखिल हो गया है, तकरीबन 17-18 ओवर हो चुके हैं, हमारी 4 विकेटें गिर चुके हैं। और मेरी इस टीम में जो हैसियत है वो एज ऑलराउंडर है, तो मैंने पेड़ कर लिया है। इंशाल्लाह इसके बाद जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी टीम के लिए कुछ करें ताकि टीम के काम आए। प्रॉपर शॉट हो समझे ने हुआ।
एक इनिंग के अख्ताम पे हमने स्कोर बोर्ड पे लगाए तकरीबन 180 रन और 240 गेंदे और 180 रन तो मुश्किल सा लग रहा है। टीम मुश्किलात का शिकार है लेकिन अपनी पूरी एफर्ट देंगे और कोशिश करेंगे कि इस मैच को जीत जाए क्योंकि विकेट इतनी अच्छी नहीं है, गेंद पस पस के आ रहा है विकेट पे, तो कोशिश पूरी करेंगे कि ये मैच विन करें। लेकिन बहरहाल अभी जो सिचुएशन है तो मुश्किल लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैच हो गया और मैं घर आ गया हूँ। घर आके शावर लिया है और अभी ऊपर आया हूँ ना धूप थोड़ा लेने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, अपनी टीम जीत गई। ठीक है, स्कोर बोर्ड की पिक अगर मुझे मिल गई ना किसी से मंगवाऊँगा तो वो भी आप लोगों को साइड पे शो हो रहा होगा। अगर मिली है तो ही होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, तो मैच की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी थी कि हमने 180 तक स्कोर किया। ठीक है, उन लोगों को हमने 110 तक ही महदूद रखा और हम मैच जीत गए। और आप लोगों की भाई की परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह बैटिंग में तो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि मैं नट आउट आया हूँ। ठीक है, 5 सिक्स डाउन में गया हूँ और एंड तक खेला हूँ और नट आउट आया हूँ। दूसरी तरफ से विकेट जाती रही तो इस वजह से, और एंड पे भी दूसरी साइड से विकेट जो टेलेंडर होते हैं वो आउट हो गए और मैं ऐसे ही वापस आ गया। और बॉलिंग में पावर प्ले में मैंने स्टार्ट में 2-3 ओवर किए, 3 या 4 किए शायद, हाँ, और बाद में भी 2-3 ओवर किए हैं। तो तकरीबन 6 ओवरों में मैंने 20 तक रन दिए हैं और एक विकेट मुझे मिली। विकेट की मुझे उम्मीद थी कि 2-3 मिलेंगे लेकिन स्कोर हमारे पास कम था तो इसलिए वो लोग शॉट के लिए नहीं जा रहे थे। और उस टाइम पे कोई था नहीं जिसको फ़ोन पकड़ा देता कि व्लॉग बन जाए। ठीक है, और मैच हम जीत गए तो एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मैच हमारा 14-15 तारीख को होगा, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस मैच के आप लोग को यहीं पे एंड कर देते। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। मुझे दीजिए तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ मियाँ रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।